हेलो एवरीवन, माय शर्शालनी मिश्रा, वेलकम टू दिस चैनल। टुडेज वी आर गोइंग टू टारगेट बायोटेक्नोलॉजी। वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी, सो प्लीज मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। इन दिस वीडियो वी विल कवर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम लोग ये पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र और हम लोग को जो डिज़ायरेबल जीन चाहिए होता है तो हम लोग कैसे उसको लेते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। डू यू नो द लाइकली फिट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज़ समहाउ ट्रांसफर इनटू एलियन ऑर्गेनिस। क्या आप जानते हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिस का डीएनए इंसर्ट हम लोग किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर करवाते हैं तो उसका फ्यूचर क्या होगा? मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज। जो आपका पीस ऑफ डीएनए मीन्स जो आपका जीन्स है, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि वो मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पाते हैं और प्रोजेनी सेल में नहीं आ पाते, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बची हुई सेल में ठीक से क्लोनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट इट्स मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। लेकिन अगर वो एक बार इंटीग्रेट हो जाए इनटू द जीनोम तो क्या होगा कि वो पूरे जीनोम के साथ मल्टीप्लाई करता रहेगा और इनहेरिट भी होता रहेगा अलॉन्ग विथ होस्ट डीएनए, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि होस्ट डीएनए जब जब रेप्लिकेट करेगा आपका इंसर्टेड जीन भी रेप्लिकेट करेगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साथ में रेप्लिकेट करेगा। आपका न्यूक्लियोटाइड बैक्टीरिया जब जब बेसिकली ट्रांसफ़र होगा उसी के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। This is because the alien piece of DNA become has the parts of a chromosome which has the ability to replicate. In a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication which is responsible for initiating replication. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो alien piece of DNA है उसमें जो chromosomes के part हैं जो DNA उसमें एक specific प्लेस पे क्या पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिएटिंग रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कहने क्या मतलब है, इन क्रोमोसोम में स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, इनिएटिंग रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है कि ऐसा साइट जिस पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। सो जहाँ पे आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है और आप डालें हैं फॉरिजन जेनेटिक मटेरियल तो वो भी रेप्लिकेट होगा साथ साथ। और अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ही नहीं तो आपका रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाएगा वहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन For any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication. क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का alien piece of DNA किसी organism के इस need to be part of chromosome, उसको हम लोग को उसको जो alien piece of DNA है किसी organism का उसको हम उस डीएनए को ज़रूरत किसकी पड़ती है, क्रोमोसोम की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए, मल्टीप्लाई करवाने के लिए, कॉपीज़ बनवाने के लिए हम लोग को क्रोमोसोम की ज़रूरत पड़ती है विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। दस एन एलियन डीएनए इज़ लिंक्ड विथ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम लोग एलियन डीएनए को इंट्रीगेट करवा देंगे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट, तो वो एलियन पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा इटसेल्फ एंड होस्ट ऑर्गेनिज खुद करेगा और होस्ट ऑर्गेनिज को भी मल्टीपल कॉपीज बनवाने में हेल्प करेगा। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लोनिंग और
मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। क्लोनिंग क्या होता है, जब हम लोग किसी डीएनए टेम्पलेट डीएनए का मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनवाते हैं तो उसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंटेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ अ नेटिव प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और सल्मोनेला टाइफोमेरियम। स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बार्ड ही कंप्लाइज दिस इन 1972 बाय द आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यानी कि आपने क्या किया, एक जो प्लाज्मिड था किसी बैक्टीरिया का उसके साथ आपने पहले आपने क्या इंसर्ट करवा के देखा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन इंसर्ट करवा के देखा। बेसिकली आपने नेटिव प्लाज्मिड लिए, ठीक है, और उसमें आप लोग ने जीन इंसर्ट करवा दिया। अभी आप पूछेंगे प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक वेक्टर होता है, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए तक पहुँचाने का वर्क क्या कौन करता है, प्लाज्मिड करता है। ठीक है, कि जो प्लाज्मिड है वो क्या है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मींस ये प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेटिंग होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, एक बार की बात है, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, जो कि 1972 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, वो दोनों एक नेटिव प्लाज्मिड लिए जो कि किसका था, सल्मोनेला टाइफोमेरियम का था, और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन प्रोवाइड करवा दिए वो लोग। ठीक है, मींस कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए आपने एक जेनेटिक मटेरियल से जीन लिया, उसमें एंटीबायोटिक का कैरेक्टर था, फिर आपने क्या किया, बेसिकली उसको स्पेसिफिक प्लेस से काटा और सल्मोनेला टाइफोमेरियम के अंदर उसको इंट्रीगेट करवा दिया, जिससे ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये इसका मतलब था, आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कटिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, द कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर। जब हम लोग किसी भी डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से उसको काटते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सो न्यूक्लियस, एक होता है इंडो न्यूक्लियस। जो एक्सो न्यूक्लियस रहता है वो बाहर से कट करता है, मीन्स इंड से डीएनए को कट करेगा, और जो इंडो न्यूक्लियस रहता है वो अंदर से, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस मीन्स बीच से कट करेगा। ठीक है, सो दिस इज इंडो न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विथ प्लाज्मिड डीएनए। आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो जीन इंसर्ट ऑफ इंटरेस्ट को कट करके निकाला था उसको आप प्लाज्मिड के अंदर लिंक्ड करेंगे या इंट्रीगेट करेंगे। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। जो प्लाज्मिड होता है वो एक वेक्टर की तरह वर्क करता है और हम लोग डीएनए वेक्टर के साथ लिंक करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, करने का वर्क कौन करता है, प्लाज्मिड करता है। ठीक है, यू प्रोबेबली नो द मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। क्या कह रहा है, जो मॉस्किटो है वो इंसेक्ट वेक्टर का काम करता है,
मलेरियल पैरासाइट में, यानी कि आपका बेसिकली प्रोटोजोआन जो होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने में, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है मॉस्किटो। फिर बोला इन द सेम वे, उसी तरह से ए प्लाज्मिड कैन बी यूज एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो उसी तरह ये वेक्टर भी क्या करेगा, जीन को ट्रांसफ़र करेगा टू सम होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे एक मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी के अंदर मलेरिया पैरासाइट ले जाते हैं, सेम उसी तरह ये वेक्टर भी क्या करेगा, जीन को ट्रांसफ़र करेगा टू सम होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड ज्वाइन देयर एंड। जब हम लोग उसको वेक्टर को लिंक, जब हम द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जब हम लोग किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के वेक्टर के साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो हम लोग किसके साथ जोड़ते हैं, किस एंजाइम के साथ, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका नाम है डीएनए लाइगेज। विच एक्ट्स ऑन अ कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड ज्वाइन देयर एंड, और वो दो कट डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर देता है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन अ विट्रो एंड इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। यानी कि यहाँ पे आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड को ज्वाइन कर दिया, किसके साथ, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो दो ऑर्गेन्स का डीएनए इसमें आ गया। प्लाज्मिड किसका था, बैक्टीरिया का था, और जीन ऑफ इंटरेस्ट किसका था, मान लीजिए ह्यूमन का या किसी रैट वैट का होगा। ठीक है, तो क्या, व्हेन द डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एस्चेरिचिया कोलाई ए बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सेलमोनेला इट कुड कॉपीज द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इन ई कोलाई वॉज कॉल्ड ए क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। कहने की यह मतलब है, सेलमोनेला से मान लीजिए आपने कोई जीन लिया, या फिर समझ लो बेसिकली आपने कोई एंटीबायोटिक जीन लिया सेलमोनेला के अंदर से, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जो है सेलमोनेला का, उसके क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई में आप लोग को डालना है। ओके, एंड या क्लोजली रिलेटेड टू सेलमोनेला इट कुड बी यूज होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। और सो ये है बेसिकली आपका नए होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं, रेप्लिकेटिंग, यहाँ पे आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे जब जब मल्टीपल कॉपीज बनेगी उसको आप लोग क्लोनिंग कहेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक ऑफ रेजिस्टेंसी। ठीक है, द एबिलिटी टू मल्टीपल मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई वाज कॉल्ड ए क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन एस्चेरिचिया कोलाई। यू कैन हेंस इन्फर्स दैट देयर इज अ थ्री बेसिक स्टेप्स इन जनरली मॉडिफाई एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज का जेनेटिकली मॉडिफाई करवाना है तो थ्री बेसिक स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। आपको उस डीएनए के फ्रेगमेंट का पता लगाना है जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। पहले मैं प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करवा दूंगी, उसके बाद होस्ट के जेनेटिक मटेरियल
पहुंचा दूंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगी कि जो हम डीएनए भेज रही हूँ वो होस्ट के अंदर वो मेंटेन हो जाए, वहाँ पे ठीक से रह पाए। कहने का ये मतलब है कि आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास जो है इंट्रीगेट, ताकि उसकी प्रॉपर रेप्लिकेशन हो। जब उसकी प्रॉपर रेप्लिकेशन होगी, कहने का यह मतलब है कि आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास जो भी है वो इंट्रीगेट हो, ताकि उसकी प्रॉपर रेप्लिकेशन हो। जब उसकी प्रॉपर रेप्लिकेशन होगी तब आप होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है। एंड एंड ऑफ डे क्या होता है, जहाँ जहाँ आपका यू नो होस्ट का डीएनए जाएगा वहाँ वहाँ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जाएगा। सो ऑटोमेटिकली आपका जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहेगा। कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में डीएनए का पता लगाना है, सेकंड स्टेप में उसको होस्ट तक पहुंचाना है, थर्ड स्टेप में उसको मेंटेन करना है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो।